आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ओलंपिक्स की। पेरिस में ओलंपिक्स का भव्य आगाज हो चुका है। सीन नदी के किनारे ओपनिंग सेरेमनी हुई। ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल भी शामिल हुआ। 206 देशों के खिलाड़ी ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में कुल 10,500 खिलाड़ी अलग अलग खेलों के जो कि हिस्सा ले रहे हैं। इस बार शानदार आगाज हो चुका है ओपनिंग सेरेमनी। और आज अगर बात करें तो कई अलग अलग खेलों में भारत के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने वाले हैं। आज माना जा रहा है कि पेरिस ओलंपिक में 2024 में मेडल आ सकता है भारत के खाते में। शूटिंग की 10 मीटर है राइफल में कुछ देर में भारत का क्वालिफिकेशन मुकाबला होने वाला है। कई खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद है इस बार पेरिस ओलंपिक में। आज से भारत अपने अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। ओलंपिक में भारत की अगर बात करें तो कुल 112 एथलीट 16 अलग अलग खेलों में 69 मेडल इवेंट्स में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गईं। भारतीय खिलाड़ियों को पीएम मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी गई। हर खिलाड़ी भारत का गौरव है, पीएम मोदी की ओर से कहा गया। सोशल मीडिया एक्स के जरिए पीएम मोदी ने सभी भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। ओपनिंग सेरेमनी कल हो चुकी है, ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हुई। और अब आज पहले दिन का शेड्यूल अगर देखें तो कई अलग अलग खेलों में दमखम अपना दिखाने वाले हैं भारतीय खिलाड़ी। आज 27 जुलाई को पहले दिन भारतीय एथलीट्स एक्शन में दिखाई देने वाले हैं। शूटिंग के मिक्स टीम इवेंट में मेडल जीतने का मौका मिल सकता है। शेड्यूल पूरा पहले से ही तय रहता है ओलंपिक्स में। 117 एथलीट्स के दल में से कई एथलीट आज खेलने वाले हैं। हॉकी का भी आज मुकाबला होने वाला है, टेनिस और बैडमिंटन का मुकाबला होने वाला है, तीरंदाजी में मुकाबला आज होने वाला है। शूटिंग, रोइंग, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, मुक्केबाजी, आज कई अलग अलग सारे खेल जिसके कंपटीशन होने वाले हैं। भारतीय खिलाड़ी पूरे तरीके से तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई हैं ओलंपिक्स के लिए। और देखिए, हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो ओलंपिक खेलों में कम से कम एक बार जरूर शिरकत करे। कई धुरंधर खिलाड़ी भारत की ओर से इस बार ओलंपिक खेलने के लिए गए हैं। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं सभी खिलाड़ियों से। मेरे साथ स्पोर्ट्स एडिटर डिजिटल मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं इस पर। मनोज जी, आगाज हो चुका है पेरिस ओलंपिक का, प्रधानमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी हैं। आज का पूरा शेड्यूल क्या है? आज के अगर अलग अलग मैचेस की मैं बात करूं तो उम्मीदें कितनी ज्यादा हैं? आज कौन कौन से मैच होने वाले हैं भारतीय खिलाड़ियों के? देखिए, एक तो हमारा जो ट्रेडिशनल गेम है हॉकी, जिसमें हमने 41 साल के बाद मेडल हासिल किया था, उसमें जो है आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है और रात शाम को 9 बजे। और इसके अलावा जो है आज टेनिस का मुकाबला है, जिसमें रोहन बोपन्ना श्रीराम बालाजी के साथ उतरेंगे आज। ये 3:30 बजे आप इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं जियो सिनेमा पर। और उसके अलावा बॉक्सिंग में प्रीति पवार जो है वो जो है वियतनाम की बॉक्सर से भिड़ती हुई दिखाई देंगी। टेबल टेनिस में हरमीत देसाई है। रोइंग के कुछ मुकाबले हैं। और शूटिंग में आज 10 मीटर एयर राइफल का मिक्स्ड टीम का मुकाबला है। प्रारंभिक चक्र के मुकाबले हैं जिसमें रमिता जिंदल और अर्जुन बाबुत जो है वो उतरेंगे और दूसरी जोड़ी जो है एल्विनिल की और संदीप सिंह की उतरेगी। और इसके अलावा बैडमिंटन में जो गोल्ड मेडल की सबसे बड़ी दावेदार है भारतीय जोड़ी बैडमिंटन में, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और साथ में जो है चिराग शेट्टी की जोड़ी, इनका होस्ट कंट्री जो है फ्रांस, उससे उस जोड़ी से इनका मुकाबला होना है। तो आज खास तौर पर निगाहें इन्हीं 6 खेलों पर रहेंगी जिसमें भारतीय उतरेंगे। लेकिन अब आज कोई मेडल राउंड नहीं है, लेकिन यहां से आप आगे के लिए राह अपनी जो है मेडल की राह बना सकते हैं, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। बिल्कुल, टेनिस, टेबल टेनिस, नौकायन, हॉकी, मुक्केबाजी, आज कई अलग अलग मुकाबले होने वाले हैं। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं इस बार। सभी चाहते हैं मनोज जी कि पिछली बार
का रिकॉर्ड टूटे, ज्यादा से ज्यादा मेडल्स हमारे खिलाड़ी लेकर आए। आज अलग अलग मैचेस का आपने जिक्र किया और मैं चाहूंगी प्लेयर्स के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें, कौन कौन से प्लेयर आज मैदान में रहने वाले हैं और पलड़ा क्या भारी नजर आता है, जिन जिन टीमों के साथ आज मुकाबला होने वाला है। देखिए, जहां तक हॉकी का सवाल कर रहे हैं, देखिए अगर हम तो हॉकी में न्यूजीलैंड की टीम, हम ग्रुप ऑफ डेथ में है जिसमें बहुत तगड़ी टीमें हैं। इस बार इतना आसान वाला नहीं है, लेकिन हम पुराने प्रदर्शन को अगर दोहरा देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप में इसी न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को शिकस्त दी थी। और वहीं रोहन बोपन्ना, जो कि दुनिया के नंबर एक डबल्स के प्लेयर हैं, और वो उनको एक गैर सीडेड प्लेयर मिले हैं बालाजी, लेकिन बालाजी ने कहा कि मैं बिल्कुल, उन्होंने अगर मुझे चूज किया है तो किसी कुछ सोच के किया होगा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस करूंगा। और साथ ही अगर आप बैडमिंटन में देखेंगे, सात्विक और चिराग की जोड़ी, सात्विक इस वक्त दुनिया में सबसे तेज शॉट लगाने में, स्मैश लगाने में माहिर माने जाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने हालिया प्रदर्शन किया इन दो, इस जोड़ी ने पहले दो जो है फाइनल मुकाबलों में ये जोड़ी हारी, एक तरह का अलार्मिंग बेल था, लेकिन इंडिया ओपन में हारी, उसके बाद जो दो मुकाबलों के फाइनल में जीती है ये टीम, थाईलैंड ओपन में और शंघाई ओपन में, उसके बाद उसे भारत से उम्मीदें जग गई हैं कि इस बार भारत जो है स्वर्ण पदक जरूर जीतेगा, जहां तक बैडमिंटन डबल्स का सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि हम पीवी सिंधु पे हमेशा नजरें रखते थे, या हम कुछ पहले कुछ वर्षों में साइना नेहवाल पर उम्मीदें रखते थे। भारत की जो चुनौती थी बैडमिंटन में महिलाओं तक सीमित होती थी, लेकिन अब पुरुष बैडमिंटन भी इसमें सक्रिय भागीदारी करने लगे हैं और उनसे पदक की उम्मीद की जाने लगी है। तो उसी की एक मिसाल है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी, जिनका मुकाबला जो है खास तौर पर मैं कहूंगा आज दोपहर में होना है और इस पर सबकी नजरें होंगी, तो क्योंकि ये जोड़ी में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और इसी कॉम्बिनेशन के सहारे आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं भारत से पदक की। बिल्कुल, तो देखिए रिकॉर्ड कुछ खेलों में बेहतरीन रहा है भारतीय खिलाड़ियों का, सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा और पंजाब से गए हैं पेरिस ओलंपिक के लिए, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। आज जो मैचेस हो रहे हैं उन पर निगाहें सभी की, ठीक है मनोज जी, आपका शुक्रिया फिलहाल इस पर जुड़ने के लिए।